सर। ओहो सर जी मजा आ गया, आपकी डांस की तो मजा आ गया जी। मजा नहीं सजा मिलेगी तुम लोगों को कमीनो। नहीं सर कमाल करते हैं सर आप। एक तो आप मेरे साथ इस प्रकार का डांस कर रहे हैं, ऐसा डांस जो एक लवेड़िया अपनी आइटम के साथ करता हो, और आप डांट भी मुझे ही रहे हैं। सर अगर मैडम को पता चल गया ना कि आप इस टाइप का डांस मेरे साथ कर रहे हैं तो सोचिए क्या होगा। ये पता लगना है मैडम को। चंगा हुआ मम्मी जी आप आ गए जी, सर जी गुड़गा को पकड़ पकड़ के डांस कर रहे थे जी। अरे डांस उसे डांस नहीं कहते हैं गोपी, रोमांस कर रहे थे मेरे साथ, रोमांस। नहीं नहीं ना तो ये डांस था ना ही रोमांस था, दरअसल मैं अरेबिक कर रहा था। अरेबिक एक्चुअली क्या ना चंद्रमुखी जी, अरेबिक जो है ना ये भी एक किस्म का एक्सरसाइज है। गुड सर, यू नीड टू लूज वेट। चलो बाल को। एम आई ओवर वेट? अरेबिक इज अ लैंग्वेज। अरेबिक मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ करना ये हॉपिंग, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो जाना चाहिए बाजार करने शॉपिंग। ओके बाय। अरे वो औरत क्या शॉपिंग करेगी जिसकी गृहस्थी की दुकान लूट चुकी हो आंसू पहुँच पहुँच के। क्यों भैया? हाँ दीदी। हाँ हाँ पापी जी मैनू दसो किसके खिलाफ FIR लिखवानी है जी। वो औरत किसी के खिलाफ क्या FIR लिखवाएगी जो अपनी गृहस्थी का मुकदमा खुद हार चुकी हो अंकल जी। आंसू पहुंच पहुंच के। क्यों भैया? हां दीदी हां। मैडम मैं तो इस उम्मीद पे आई हूँ कि जिस बेसहारा औरत का साथ कोई नहीं देता उसका साथ चंद्रमुखी चौटाला देती है आंसू पहुंच पहुंच के। क्यों भैया? हां हां दीदी हां। अबे उम्मीद से हूँ बेसहारा हूँ, तीतर के दो आगे तीतर दो पीछे, चार पांच आजू बाजू में गिन लो, अब ना पहेलियां बुझवा ले, खुल के ना बोलियो। मैडम वो औरत खुल के क्या बोलेगी जिसके परिवार की खुशियां बंद हो चुकी हो आंसू पहुंच पहुंच के। क्यों भैया? हाँ हाँ दीदी हाँ। ना एक काम कर ले, ना अपनी जगह पे राखी सावंत ने भेज दे। ओए माँ। ना खुल के बोलने में घनी माहिर हो रही है वो। नहीं मैडम हम ही बताते हैं, मैडम हम है किस्मती आंसू पहुंच पहुंच के। और मैडम इस किस्मती की बदकिस्मती देखिए कि आज उसे अपने ही पति के खिलाफ चौकी में FIR लिखवाने आना पड़ा है आंसू पहुंच पहुंच के। क्यों भैया? हाँ दीदी हाँ। के करा है पति ने? मैडम मेरे पति एक नंबर के अयाश आदमी है आंसू पहुंच पहुंच के। क्यों भैया? मुझे क्या पता। तो आप ये बताइए कि आपके पति किस प्रकार के अयाश है, मतलब आशिक अयाश या बोतल अयाश? मैडम मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना। ना भैया मुंह को तकलीफ देने की जरूरत ना है, एक्सप्रेशन में पूछ ले सवाल। सवाल या एक्सप्रेशन फेस पे लाओ। तू बोल। मैडम मेरे पति रोज रोज उस 16 सतरंगी के कोठे पे मुजरा देखने जाते हैं। मैडम दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। मैडम दुनिया की सारी बुरी आते हैं उनमें टच वुड। ओहो क्या बात है। मैडम पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि उनके एक मामा जी हैं जो उन्हें ये सारी बुरी हरकतों के लिए उन्हें उकसाते रहते हैं। हद तो ये हो गई है मैडम कि अब उन्होंने उस 16 सतरंगी के चक्कर में मुझ जैसी अबला को भी छोड़ रखा है। मैडम मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप किसी औरत पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। मैडम बताइए ना क्या आप मुझे इंसाफ दिलाएंगी आंसू पहुंच पहुंच के? हाँ क्यों भैया? वो तो वही बताइए ना। आंसू भी पोछे जाएंगे और इंसाफ भी मिलेगा। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। बुलवाओ जरा यास पति ने और उस कंस मामा ने भी। ओके कम ऑन। मम्मी जी इनको लेने ना जी, मुझे 16 सतरंगी के कोठे पे जाना पड़ा जी जहाँ उसका मुजरा चल रहा था जी। ओए होए होए की नच दिया जी कमर को हिला के ऐसे ऐसे करके, मैं तो वहीं बैठ गया। के सुन रही हूँ थारी अयासियों के बारे में।
मैडम नहीं, आयशी नहीं, अरे ये तो मेरा नेचर है। और यो मारा नेचर है। देखो यार मैडम जो कुछ भी पूछ रही है ना उसका सीधा सीधा साफ साफ जवाब दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का वड़ा दही में मिल गया ना तो एक नंबर की चुड़ैल, मेरा मतलब है एक नंबर की राक्षसी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार, तुम बोलो। हाँ देखिए मैडम, मेरा नाम है शम्मी, शम्मी शौकीन, मैं थोड़ा शौकीन आदमी हूँ क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। और हम हैं शम्मी के मामा चिरौजी लाल कनपुरिया, कसम घंटा घर की। मामा भांजे सारे का मैं पता नहीं समझूं। प्यार ओ भरत मिलाप। अबे तारी बीवी आई थी यहाँ किस्मती, ना रो रही थी, कतई जो है कंप्लेंट लिखाई है उसने FIR थारे खिलाफ कि तू शराबी कबाबी जुआरी टाइप का आदमी हो रहा, छोड़ ले रहा अपनी बीवी को। बकवास मैडम, बकवास कर रही है वो बदकिस्मती। मैडम आप ही बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे स्पोर्ट्स पसंद है इसलिए मैं जुआ खेलता हूँ, मुझे डांस पसंद है इसलिए मैं 16 सतरंगी का डांस देखने चला जाता हूँ। अरे मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। मामा भांजे सारे का मैं पता नहीं था। प्यार कसम दाल मंडी की, ये तो इसका नेचर है। मैडम इसका बाप यानी कि हमारे जीजा पम्मी शौकीन पापा कोई कम शौकीन नहीं थे। कसम किदवई नगर की, हमारे भांजे के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। भाई ये शौकीन नहीं होगा तो कौन शौकीन होगा? कसम बर्रा बरोनी की। मामा भांजे सारे गाना पता नहीं समझूं। प्यार अरे मैडम ये तो मेरा नेचर है। ज्यादा जो है नेचर प्रमोट करने की जरूरत ना है हमारे सामने, वरना ऐसी नेचुरल डेथ दूंगी ना दोनों को कि नेचर अपनी क्रिएशन पे शोक हो जाएगी बिल्कुल ही। अपनी बीवी ने अपना तू चल के। अरे मैडम मैं कैसे अपनाऊं, कैसे अपनाऊं उस बदकिस्मती को? अगर मैं उसे अपनाऊंगा तो फिर से कहने लगेगी कि 16 सतरंगी का मुजरा देखने ना जाओ, सुनने मत जाओ, जुआ मत खेलो, दारू मत पियो। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैडम क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। क्यों मामा? हाँ कसम जोसनगंज की। मामा जोसनगंज का दरियागंज बना दूंगी मैं यहीं, चुपचाप खड़ा रहे। नहीं देखिए मैडम मैं अपना नेचर नहीं बदल सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। अगर बदलना है तो उस बदकिस्मती यानी कि क्या नाम है उसका, किस्मती से कहिए कि उसकी सोच बदल दे क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। चलिए मामा चलते हैं 16 सतरंगी के कोठे पर, वहाँ पे उसका मुजरा सुनने के लिए, क्योंकि किसी को इंतजार करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। चलिए मामा। प्यार क्या है? अब क्या होगा मैडम? हाँ सो पहुँच पहुँच के वही होगा जो मंजूर है चौटाला होगा। सुनो क्या करना है। गुड आइडिया मैडम, गुड आइडिया। ये क्या कह रही हैं आप कसम आजाद नगर की? अबे सत्य कह रहे हैं, इसमें थारा भी फायदा है और हमारा भी। सोच लो मामा ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ओ मामा जी हाँ कह दो, अगर आपकी जगह मैं होता ना फट से हाँ कह देता। क्यों जी? नहीं मत करो इतना सोच विचार, झट से हो जाते यार। ओके बाय। हाँ मगर कसम गुमटी नंबर 5 की। अबे देख यार क्लियर सी बात है, जमाना खराब चल रहा है आजकल। न कब तक अपने भांजे के टुकड़ों पे पलेगा डोगी की तरह से? अबे एक दिन अगर उसने लात मार दी फिर क्या करेगा तू? और छोरियों का वैसे ही आजकल कोई हिसाब ना चल रहा। अबे वो 16 सतरंगी सारा माल चूस लेगी थारे भांजे का। इससे तो बेटर हो रहा है कि जुम्मा लीना के नाम हो जाए प्रॉपर्टी, फिर 50% थारा 50% उसका। वैसे माल है कितना थारे भांजे के पास? कसम मूलगंज की होंगे कोई 10 करोड़। अबे तो 10 करोड़, 5 करोड़ थारे, अबे 5 उस जुम्मा के। कसम कानपुर सेंट्रल की जो आप कह रही हैं सही कह रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जुम्मा है कौन?
अबे है कौन, कहाँ मिलेगी और खाने में क्या पसंद है, ये सब बात की बातें। फिलहाल तू अपनी ड्यूटी निभा। तैने जो है अपने भांजे को कन्विंस करना है, उसका ब्रेन वॉश करना है। उससे साले को जाके कह कि जुम्मा लीना की अदाएं और ब्यूटी मतलब एकदम एकदम बखान कर दे। नहीं ऐसा बखान कर कि उस 16 सतरंगी का तंबू खड़ जाए उसके सामने। कसम चटाई मोहल्ले की, ये समझिए आपका काम हो गया, क्योंकि हमारा नाम चिरौंजी लाल कनपुरिया है। आप देखिए आगे आगे क्या होता है। चाय पिलाओ। अदरक वाली। अदरक। ओहो, ये अलग का क्या गर्दन झुका के बैठा है? क्या हुआ ये? क्यों है पुत्र, ये आंख में नीर कैसे पड़ गया? आए आए, ये खून निकल रहा है। किसने मारा तुझे? किसने मारा है बच्चे को? किसने मारा है? किसने मारा बेटा? तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया इलाज करवाने? पैसे नहीं है। मैं मर गया, पैसे नहीं है पुत्र। तेरा बड़ा भाई जिंदा, मैं देता हूँ पैसे। कितने चाहिए? ये ले जाके इलाज करा बेटा फटाफट। थैंक यू भैया। भैया आज तक किसने मुझे भैया नहीं कहा? कोई बड़ाऊ कहता है, कोई दादा, कोई चाचा। चलो कोई बात नहीं। अरे गोपी तू यहाँ क्या कर रहा है यार? चल वो देख, वहां चल के शूटिंग देखते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चों की कुछ फाइट सीक्वेंस शूट हो रही है यार, और अपना खन्ना का बच्चा भी वहाँ पे। और क्या मस्त मेकअप किया उसने, जैसे उसको चोट लगी है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पूरा मस्त मेकअप है। आ जा चल। मामा भांजे सानी दापा मांगा रहता हूँ। प्यार प्यार बस प्यार। कहाँ है मामा, कहाँ है जुम्मा? और उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। अरे मामा, आपने आपने उसके हुस्न की और नाच की जो तारीफ की थी वो सुनकर अब मुझसे एक पल भी नहीं रहा जा रहे। मामा कहाँ है जुम्मा? कसम दाल मंडी की, भांजे तुम उतावले क्यों रहे हो? बस वो आ रही होगी। अरे उतावला तो होऊंगा ना मामा, क्योंकि यही तो मेरा नेचर है। लो वो आ गए। अरे बस बस करो जुम्मा, बस करो। अब मुझसे नहीं रहा जाता, ना ही सहा जाता है। अरे अपने हुस्न की बिजली मुझ पर मत गिराओ, वरना मैं जल जाऊंगा। हाय दया। मामा मामा आप सही कह रहे थे, आपने जो बताया ठीक वैसी है। बस आज के बाद तुम जुम्मा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं नाचोगी, यही मेरा नेचर है। क्या? नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी और की मिल्कियत हो चुकी हूँ। किसकी? मैं एक गरीब लड़की हूँ और वो एक बहुत अमीर सेठ। कौन है वो? वो हम है, हम है वो दौलतमंद इंसान जिसकी जुम्मा हमेशा हमेशा के लिए हो चुकी है। हम अपनी लाखों करोड़ों की जायदाद सब कुछ जुम्मा के नाम करने वाले हैं। तो बताओ जुम्मा, है कोई ऐसा और इंसान जो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे? है कोई? बताओ बताओ भाई। अब चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए। अरे अगर मुझसे इतना ही प्यार हो गया है तो इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दीजिए, उसमें क्या है? Yes! अरे सोच क्या रहे हो भांजे? अरे झुम्मा किसी और की हो जाएगी, सब कुछ इसके नाम कर दो, फिर इससे शादी कर लो, वापस से सब तुम्हें मिल जाएगा। लो ये स्टाम्प पेपर, जल्दी से इस पर साइन करो। मामा अरे यही तो मेरा नेचर है, लाइए मामा लाइए। ये लीजिए। आज के बाद जुम्मा मेरी हुई। ये क्या? यो थारी औकात से, और मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला, और यो हवलदार गुलगुले। मुलायम सिंह गुलगुले रिपोर्टिंग। बेटा हमारा तो काम ही है थारे जैसे बकरों को फांसना और उनसे माल लूटना, और हमारी इस जालसाजी में थारा यो मामा यो भी शामिल से। मामा? कसम रोडवेज डिपो की, जिसके पास पैसा होता है हम उसका साथ देते हैं, ये मेरा नेचर है।
मामा भांजे समझ गया मैं सब कुछ समझ गया तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे लूटा है मुझे बर्बाद किया है मुझे रास्ते पे ले आए हो किस्मत ही सच कहती थी मुझे कि ये तुम्हारा नेचर छोड़ दो वरना तुम रोड पे आ जाओगे बर्बाद हो जाओगे आज अगर किस्मत यहाँ होती तो मैं उससे माफी मांग लेता किस्मत नहीं है किस्मत नहीं है कि किस्मती तुमने सच कहा था कि तुम्हारा नेचर बदल लो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे देखो किस्मती मैं रास्ते पे आ गया अब तुम यहाँ पे क्यों आई हो तुम भी चली जाओ ऐसे कैसे चली जाए हम अरे अपने पति को बीच मझधार में छोड़ देना ऐसा नेचर नहीं है हमारा आंसू पोंछ के बल्कि अपने पति का जीवन भर साथ निभाना ऐसा नेचर है हमारा आंसू पोंछ के किस्मती हाँ और भूले बिसरों को सही राह पे लाना यो हमारा नेचर है यो है ना थारे दौलत के जायदाद के कागजात योले गोपी हाँ जी जी मम्मी जी समझ गया जी चलो मामा अब हवालात में मुजरा देखना हाँ भाई मियाँ बीवी अब तुम भी अपने घर को चलो और जो है खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाओ और तू साले अबे थारे मुंह से नेचर बर्ड मैं दोबारा ना सुन लूं कभी नहीं मैडम कभी नहीं सुनेगी अरे यही तो मेरा नेचर है चल हट